क्या हाल है मेरे दोस्तों, दिस इज सैंजियर एंड वेलकम टू माय शो टाइम। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है हिंदी में कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू बनाना या कोई भी वीडियो बनाना, तो अगर मेरे से कुछ ब्लूपर्स हो रहे हैं हिंदी में या आई एम फंबलिंग समवेयर, प्लीज़ डू पार्डन मी एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। तो आज का वीडियो है सैल्मन फिश ऑयल पे। ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, सेंट बार्निका का सैल्मन फिश ऑयल। बट इससे पहले हम डिस्कस करेंगे फिश ऑयल के बारे में, फ़िश ऑयल क्या है और किसे लेना चाहिए। फिश ऑयल उसे लेना चाहिए जो लोग फ़िश नहीं कंज्यूम करते डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली 3 to 4 टाइम्स अ वीक फ़िश कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको फ़िश ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे और आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं फ़िश ऑयल के, क्योंकि फ़ायदे काफ़ी है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप फ़िश ऑयल सप्लीमेंट ले सकते हैं। और फ़िश ईज़िली अवेलेबल नहीं है नॉर्थ इंडिया में, बट इट इज़ ईज़िली अवेलेबल इन साउथ इंडिया। जो भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर फ़िश ईज़िली अवेलेबल है, जैसे कि गोवा है, दमन एंड दीव है, बॉम्बे है, चेन्नई है, वहाँ पर लोग फ़िश ज़्यादा खाते हैं। कैलकटा है, वहाँ पर फ़िश ईज़िली अवेलेबल होती है, तो वहाँ पर ये सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये सप्लीमेंट फ़ायदेमंद है और काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। जो लोग 3 से 4 बार फ़िश खा रहे हैं एक वीक में वो भूल जाएं इसको, लेकिन जो लोग एक बार फ़िश खाते हैं 15 दिन में, या एक बार फ़िश खाते हैं 1 महीने में, या फ़िश खा ही नहीं रहे और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फ़िश ऑयल से, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। अगर आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट चाहते हैं तो भूल जाएं इसे अगेन। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्स खाते हैं तो आप फ़िश ऑयल कंज्यूम करना चाहते हैं, तो ये आप ये ज़रूर कंज्यूम करें। तो अब हम आते हैं फ़िश ऑयल क्या होता है। फ़िश ऑयल फ़िश में से निकलता है, फ़िश होती है जैसे कि सैल्मन फ़िश, कॉड लिवर फ़िश, सार्डिन फ़िश और बहुत सारी अनेक फ़िशेस, उसमें से फ़िश ऑयल निकलता है। और फ़िश ऑयल होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फॉर्म में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे आइज़ के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे जॉइंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, और सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे हमारी हार्ट और हमारे ब्रेन के लिए। हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और हमारी हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें होता है EPA एंड DHA का फुल फॉर्म काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आप भी प्रोनाउंस मत करें, बिकॉज EPA DHA शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हम। EPA DHA जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फॉर्म में, जो कि फ़िश ऑयल में रहता है, वो EPA हमारे हार्ट के लिए ज़रूरी है और DHA हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है। अब EPA DHA कितनी मात्रा में लेना चाहिए। EPA DHA अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, आप वर्कआउट नहीं करते, आप खाली ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, बट जस्ट 5 मिनट 10 मिनट का वॉक किया और फिर आप घर आ गए आफ्टर योर डिनर, और देन आपको EPA DHA सिंगल स्ट्रेंथ का लेना चाहिए जो है करीबन 360 mg पर सर्विंग। अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेट लाइफस्टाइल है, आप मॉडरेट वर्कआउट करते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप स्विमिंग वगैरह करते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी में, आप कभी टेनिस खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, थोड़ा कार्डियो करते हैं जिम में, तो आपके लिए डबल स्ट्रेंथ फिश ऑयल नेसेसरी है, जो कि होता है कम समवेयर अराउंड 600 mg पर सर्विंग। पर अगर आप बहुत ही रेगुलर हो स्पोर्ट्स में, आप कार्डियो बहुत ज़्यादा करते हैं करीबन 1.5-2 घंटा दिन में, और आप एथलीट की तरह वर्कआउट करते हैं और करीबन 1.5-2 घंटा आप जिम में बिताते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो आपके लिए ट्रिपल स्ट्रेंथ फ़िश ऑयल नेसेसरी है। ट्रिपल स्ट्रेंथ फ़िश ऑयल होता है करीबन 900 to 1000 mg पर सर्विंग। सो अभी आप डिसाइड करिए आपकी लाइफस्टाइल के बेस पे आप क्या करते हैं आपकी लाइफस्टाइल में, उस हिसाब से आपको कंज्यूम करना है फ़िश ऑयल सप्लीमेंट। नाउ अब आते हैं हम फ़ायदे, फ़िश ऑयल के फ़ायदे पर। तो अब मैं बात करूँगा फ़िश ऑयल आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, डिटेल में बात करूँगा फ़िश ऑयल आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी हार्ट के लिए अच्छा है, अब हार्ट के लिए आपके लिए कैसे अच्छा है, ये आपका HDL जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, उसको बढ़ाता है। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको इंक्रीज़ करता है फ़िश ऑयल, और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसे डिक्रीज़ नहीं करेगा, कम नहीं करता, लेकिन HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। सो ये ब्लड फ्लो में मदद करता है हार्ट के लिए। और फ़िश ऑयल आपके ट्राइग्लिसरिड्स जो कि ब्लड में होते हैं उससे
रिड्यूस करता है। ट्राइग्लिसरिड्स की जो लेवल है 150 होती है। अगर आप ब्लड चेक कराते हैं तो उसमें आपकी लेवल आपकी ट्राइग्लिसरिड्स की अबव 150 आती है, तो फिश ऑयल विल वर्क वंडर्स फॉर यू बिकॉज इट विल रिड्यूस योर ट्राइग्लिसरिड्स एंड मेक इट एंड रिड्यूस इट बिलो 150 विच इज़ अ नॉर्मल लेवल। तो ट्राइग्लिसरिड्स क्या होते हैं, वो ब्लड फ्लो जो होता है, अगर आपकी ट्राइग्लिसरिड्स हाई हो जाते हैं तो ब्लड स्टक होता है, ब्लड क्लॉट होने की चांसेस होते हैं, उसको रिड्यूस करता है। जैसे कि मैंने कहा कि आर्टरीज और जो वेन्स होती है नियर योर हार्ट, उसके आगे काफ़ी सारा कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, तो योर वेन्स विल बी स्टक बिटवीन दैट कोलेस्ट्रॉल, सो आपको स्ट्रोक आने की चांसेस होते हैं, हार्ट स्ट्रोक पर। ये फिश ऑयल उसको रिड्यूस करेगा, वो चांसेस को रिड्यूस करता है, उसको घटाता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। नाउ अपने ब्रेन जो अपने दिमाग है उससे भी ये काफ़ी सारे फ़ायदे देता है, बिकॉज अगर आपका हार्ट और ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, बिकॉज हार्ट एंड ब्रेन आर फंक्शनिंग टुगेदर। हार्ट और ब्रेन काफ़ी हद तक सारा काम संभाल लेते हैं सारी की सारी बॉडी का, बिकॉज अगर हार्ट या ब्रेन दोनों में से एक भी चीज़ आपका काम करना बंद कर दें तो आपको पता है क्या होगा, यू आर अ डेड मैन और यू आर अ डेड वुमन, वॉट एवर इट इज़। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर हार्ट हेल्दी एंड योर ब्रेन हेल्दी, ब्रेन स्ट्रॉन्ग एंड लेट इट फंक्शन प्रॉपरली। सो ये ब्रेन के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है इसमें, जैसे मैंने कहा DHA है, वो ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता रहता है कंटिन्यूसली, और फैटी एसिड्स जो कि नेसेसरी है हमारी ब्रेन के लिए वो उसे पहुंचाता रहता है, तो आपकी ब्रेन भी स्ट्रांग रहती है। जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा फिश ऑयल से मिलता है, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑन आवर आईज। आज के टाइम में स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, हम लोग मोबाइल का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं 8 से 10 घंटे एक दिन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी आईज पे आपको स्ट्रेन पड़ता है, काफ़ी ब्रेन पे आपको स्ट्रेन पड़ता है, तो उसको रिड्यूस करता है फिश ऑयल लेने से, उसका भी आई का स्ट्रेन भी रिलीज़ होता है, कम होता है। मैं लेकिन ये भी रेकमेंड करूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसे अवॉइड करें, अगर आप उसे अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में आप आईज को रिंस करें कोल्ड वाटर से, दैट इज़ अ नेचुरल रेमेडी एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल रेमेडी एज वेल। उसके अलावा फिश ऑयल इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्किन, इट्स गुड फॉर योर स्किन, फॉर अ हेल्दी स्किन, इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्दी हेयर, हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हेयर फॉल वगैरह काफ़ी रिड्यूस होता है फिश ऑयल के कंजम्पशन से, एंड इट्स ऑल्सो प्रूवन फैक्ट, देयर आर लॉट ऑफ रिव्यूज़ अबाउट इट एज वेल। और इसके अलावा एक मेजर फ़ायदा है, आपके बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपके जॉइंट पेन को रिलीज करेगा, इट्स गुड फॉर योर बोन्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेज जॉइंट पेन। काफ़ी सारे एक दो एडिशनल फ़ायदे हैं जो कि छोटे मोटे फ़ायदे मिलते हैं फिश ऑयल से, बट मेजर फ़ायदे आपको मैंने जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स सीवियर नहीं है फिश ऑयल के, और फिश ऑयल के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसका ओवर कंजम्पशन से होते हैं। अगर आप फिश ऑयल जो कि प्रिस्क्राइब लिमिट है आपके लिए उससे ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फिर आप ट्रिपल स्ट्रैंड फिश ऑयल आप लेते हैं, जिसका मतलब हो गया आपने 1 mg फिश ऑयल का आपने कंजम्पशन किया है, वो भी एक नहीं 3 या 4 सॉफ्ट जेल अगर आप ले लेते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके नौजिया एक साइड इफ़ेक्ट है, इसका हार्ट बर्न एक साइड इफ़ेक्ट है, इससे फिश ऑयल से क्या ज़्यादा कंजम्पशन से बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होगी, तो जो भी जो एक्सेस हीट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूँगा जो 5 जो बेस्ट ब्रांड्स हैं और जिनका फिश ऑयल काफ़ी सेफ़ है कंज्यूम करने के लिए मेरे मुताबिक, और जिनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया में इजीली अवेलेबल है, जिनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। और तो मेरे हिसाब से नंबर 5 पर आता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का फिश ऑयल। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सप्लीमेंट कंपनीज, द कंपनी इज़ बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स अ वेरी ओल्ड वेरी रेपूटेड कंपनी जिसका वे प्रोटीन काफ़ी फेमस है। हर एक एथलीट के पास जो भी बॉडी बिल्डर है अगर उसको सजेशन मिलती है स्टार्टिंग में कि कौन सा वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, तो वो स्टार्टिंग में हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड ऑप्टिमम का वे प्रोटीन ही कंज्यूम करेगा, बिकॉज इट्स वेरी सेफ एंड इट्स प्रूवन दैट इट प्रोवाइड्स राइट रिजल्ट्स फॉर योर बॉडी। सो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ही आता है फिश ऑयल, जो कि है करीबन 1500 से 2000 के करीबन, डिपेंड्स ऑन द मार्केट रेट, बट इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है दूसरे फिश ऑयल से, क्योंकि इसकी ब्रांड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है और जो कि बेस्ट ब्रांड है, और इसमें आपको 1500 से 2000
रुपए के बॉक्स में आपको 100 सॉफ्ट जेल्स मिलेगी एंड दिस इज सिंगल स्ट्रेंथ. दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज और दे हैव वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज, जो काफ़ी कम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि सिंगल स्ट्रेंथ है तो आप 360 मिलीग्राम तक आपको EPA और DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी कम है एथलीट के लिए. तो आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपके लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का फिश ऑयल है जो कि 1500 रुपए का है. उसके बाद चार नंबर पे आता है मसल टेक न्यूट्रिशन का, जो कि ऑल्सो बहुत ही अच्छी ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है एंड वन ऑफ द बेस्ट इन माय आईज. और मैं आपको रेकमेंड करूँगा जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको ये फिश ऑयल कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि इसका और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोपोर्शन सेम है. इसमें भी 360 mg EPA, DHA है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, पर इसकी प्राइस काफ़ी कम है. इसकी प्राइस करीब 900 से 1000 रुपये है 100 सॉफ्ट जेल के बॉक्स का. तो ये काफ़ी बेहतर फिश ऑयल है. आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप इस फिश ऑयल से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं. एट नंबर 3 है मेरे हिसाब से नेचरिस का फिश ऑयल आता है, जो कि एंटरिक कोटेड नहीं है, प्रॉब्ली एंटरिक कोटेड बेस्ट फिश ऑयल्स है जो कि मैंने पहले जो तो डिस्क्राइब किए वो दोनों एंटरिक कोटेड फिश ऑयल है. एंटरिक कोटेड फिश ऑयल से क्या होगा कि आपको फिशी बब्स नहीं आएगी, नहीं तो आपके माउथ में बैड ब्रेथ या बैड स्मेल रहेगी. अगर आपको बार बार बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होगा फिश ऑयल कंज्यूम करने से तो आपको मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो आपको बार बार फिशी बब्स आएगी तो भी मज़ा नहीं आएगा. तो मेरे हिसाब से आपको एंटरिक सॉफ्ट जेल कंज्यूम करनी चाहिए. अब नेचर इज कह रहा है कि मैं एंटरिक कोटेड सॉफ्ट जेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो कोटिंग जो किया जाता है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल पे वो भी तो परफेक्ट होना चाहिए. मेरे हिसाब से वो इतना परफेक्ट नहीं है, बट इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें 1 gram 1000 mg आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहे हैं. दैट इज़ वेरी गुड. दैट इज़ अ ट्रिपल स्ट्रेंथ फिश ऑयल एंड इट्स गुड फॉर एथलीट्स. और ये काफ़ी चीप है, ये करीबन 800 रुपये का है. इसमें आपको 60 सॉफ्ट जेल्स मिलेगी, एंटरिक कोटेड सेड बाय द कंपनी, बट इट्स नॉट प्रॉपर एंटरिक कोटेड, सो आई कैप्ट इट एट नंबर 3 एट्स नेचर इज फिश ऑयल. अब नंबर 2 पे है मेरे हिसाब से वाओ. वाओ इज़ वेरी फेमस. जो भी फिश ऑयल एथलीट कंज्यूम कर रहे हैं वो वाओ का फिश ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज इसमें EPA DHA का प्रोपोर्शन काफ़ी अच्छा है. इसमें आपको 900 mg EPA और DHA मिल जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो इट्स गुड फॉर एथलीट्स, इट्स गुड फॉर रेगुलर वर्कआउट पीपल जो डेली वर्कआउट करते हैं, हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन वर्कआउट करते हैं, तो ये कंज्यूम कर सकते हैं ट्रिपल स्ट्रेंथ का फिश ऑयल. एंड दिस वन विल प्रोवाइड यू 900 mg ऑफ EPA एंड DHA कम्बाइंड. नाउ एट नंबर 1 मेरे हिसाब से जो मैं अभी कंज्यूम कर रहा हूँ और मुझे इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे, ये है सैलमन फिश ऑयल. ये है डबल स्ट्रेंथ फिश ऑयल. ये आता है सेंट बाटनिका का. द कंपनी उत्तराखंड में बेस्ड है, इट्स एन इंडियन कंपनी. आप नहीं सोचे कि अमेरिकन प्रोडक्ट है, इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट, बट ये एंटरिक कोटेड प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है. इसका फिश ऑयल का जो सॉफ्ट जेल है वो प्रॉपरली कोट किया हुआ है और इससे मुझे तो ना ही तो कभी फिशी बर्ब्स का प्रॉब्लम हुआ है, ना ही तो कोई बैड ब्रेड का प्रॉब्लम हुआ है. मैं अभी आपको इसकी सॉफ्ट जेल दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका एक माइनर ड्रॉबैक है. ये पिल की जो साइज़ है स्लाइड बड़ी है दूसरे फिश ऑयल के प्रोडक्ट्स के हिसाब से. अगर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, द प्राइस पे लिखी हुई है 1299 फॉर 60 सॉफ्ट जेल्स का. दिस वन इज सैल्मन फिश ऑयल. सैल्मन फिश ऑयल जनरली एक्सपेंसिव होता है ओमेगा फिश ऑयल से. अगर जस्ट बॉक्स पे लिखा हुआ है ओमेगा फिश ऑयल, देन सैल्मन फिश ऑयल उससे 300-400 रुपये महंगा ही होएगा. तो दिस वन आई गॉट इट एट अ वेरी गुड प्राइस, समवेयर अराउंड 700 बक्स फॉर 60 सॉफ्ट जेल्स. दिस इज एंटरिक कोटेड सॉफ्ट जेल एंड दिस वन इज, ये डबल स्ट्रेंथ है, ट्रिपल स्ट्रेंथ नहीं है. डबल स्ट्रेंथ इसमें आपको 600 mg EPA DHA मिलेगा. तो इसमें आपको वाव जितना या नेचर जितना EPA DHA नहीं मिलेगा, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मैं इससे हैप्पी हूँ अभी. तो मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ. दिस इज सेंट बाटनिकास सैल्मन फिश ऑयल. सो ये मेरा था कंप्लीट रिव्यू फिश ऑयल पे. अगर आपको और भी सारे सवाल हैं आपके मन में और कुछ दुविधाएँ हैं तो आप यू कैन नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं और मैं वो कमेंट्स को आपको रिप्लाई भी करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, देन ऑल्सो आई रिप्लाई यू बैक. दैट्स इट गाइज, ये मेरा था कम्प्लीट रिव्यू फिश ऑयल पे. हैव फन, हैव अ गुड डे, सेंड साइंस ऑफ, गुड बाय.